YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे, एक्सरसाइज जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे, आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसके इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं SNC, NBF या PDB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसका उसको लिखना है आपने। आगे सर नदीम नवर लाजमी तौर पर लिखना है, ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। रहमान रहीम, इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन हैं और इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी हैं। आप अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आपको आपकी बाज़ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आपको आपकी जूनियर क्लास याद आ जाएगी जब आपने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। इसमें है कि लान इज़ द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लान इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड, अगर एक साइड उन्होंने बताया कि 5 मीटर की है, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, ये 5 मीटर्स की तमाम साइड हैं इसकी, ठीक है ना। तो आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लान दिस रेट। तो ये तो अगला पार्ट है, पहले हम इसका पेरीमीटर मालूम करते हैं। अब इसका पेरीमीटर दो तरह से हम मालूम कर सकते हैं, जैसा कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि रेगुलर ये शेप है, इसमें ऑल साइड इक्वल हैं, तो उसके लिए तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 × L, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि L का मतलब इसकी लेंथ 3 साइड हैं, तो 3 × जितनी भी इसकी इसकी मेजरमेंट है 5 है, तो हम इससे ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 5 = 15 मीटर। तो दूसरा इसका तरीका ये होता है, अगर आपको ये फार्मूला ना समझ में आए, तो पेरीमीटर होता है क्या है? पेरीमीटर होता है किसी भी जो जो पॉलीगॉन की जितनी भी बाउंड्रीज वाल होती हैं, बाउंड्रीज वाल की सारी लेंथ्स को प्लस कर लें, 5 + 5 + 5 ऐसे करके करेंगे, फिर भी आंसर वही आएगा। ये तो एक बात होगी, यानी इसकी टोटल जो बाउंड्री वाल है ना, ये वाली इसकी लेंथ जो टोटल बनती है वो है 15 मीटर। अब दूसरा वो पूछ रहे हैं कि इस बाउंड्री वाल के ऊपर उन्होंने क्या करना है, बाउंड्री वाल कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वाल ऑफ लॉन, इस बाउंड्री वाल की कॉस्ट मालूम करनी है कि अगर एक जो मीटर है ना, यानी पर मीटर, 1 मीटर 220 रुपये का है, तो टोटल 15 मीटर जो है ना वो बाउंड्री वाल कितने की आएगी। तो इसको आपने सिंपल ऐसे करके लिख लेना है, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वाल एट द रेट ऑफ, ये इसको रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 220 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर इतने का है, जो रेट होता है ना उसको टोटल जो पमैश होती है, टोटल मेजरमेंट होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3300। इसको सिंपल मल्टीप्लाई बेटा आप लोगों ने करवाना है, तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है। तो ये दोनों आंसर इस क्वेश्चन के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज़ इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ऐसे होगी। तो अब इसमें वन साइड ऑफ द ग्राउंड इज 65 मीटर, उसकी जो एक साइड है वो 65 मीटर्स की है, यानी जो पैरेलल साइड्स हैं वो बिटवीन पैरेललोग्राम साइड्स, हैविंग द लेंथ 65 मीटर इज 42, यानी कि जो दो 65 मीटर जो लेंथ की दो जो पैरेलल जो लाइन है उनके दरमियान में आपस में जो फासला है ना वो 42 मीटर है, यानी ये भी 65 है तो ये भी 65 है, अगर तो इनके दरमियान में जो फासला है ना ये वाला, ये है 42 मीटर, ठीक हो गया। अब इसमें है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये एरिया है, यानी इसके स्क्वायर एरिया के साथ ही आता है, तो पहले हम इसका एरिया मालूम कर लेंगे। तो इसमें दो तरह की बच्चों के जहन में बात आती है, तो अगर तो हम पैरेललोग्राम ही कंसीडर करें तो पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है ना एरिया का, वो होता है इसका होता है, अगर पैरेललोग्राम हो तो फिर हम इसको बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के नाम से लिखते हैं, ये नीचे वाला बेस हो जाता है, क्योंकि जो इनके दरमियान में फासला होता है ना ये 90 डिग्री के साथ हमने इसको कंसीडर करना होता है, क्योंकि फिर इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है ना ये वाली होती है 90 डिग्री के साथ ही। तो ऐसे कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे करके भी समझ लें कि ये इसकी 65 है, ये भी 65 है, और इनके दरमियान में जो फासला है ना वो 42 है। तो जिस तरह हम एक रेक्टेंगल का करते हैं ना उस तरह भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेहतर तरीका ना जो पैरेललोग्राम का फार्मूला वो ये वाला है। तो इसमें आप बेस कितना है, बेस इसको आप नीचे वाली साइड को कह लें 65 मल्टीप्लाई बाय 42,
इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 और 42 को, तो यह आ जाएगा 2730 स्क्वायर मीटर। ये तो एरिया आ गया। अब एरिया के हिसाब से हमने उसकी जो ग्रास जो लगाना है ना, उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। तो जो भी इसका एरिया आएगा उसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ ग्रास एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो अगर पर लगाना था तो फिर इस लाइन की ज़रूरत नहीं थी, तो अगर ये लगा दिया है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी, इन दोनों में से एक लगाना होता है। अब इसका क्या करना है कि जो टोटल उसका एरिया है ना, उसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 10 ये और 10 इसका आ जाएगा। तो टोटल उसकी जो कॉस्ट आएगी ना वो ये वाली आएगी 27,300 रुपीज़। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी दो तरह की वैल्यू मालूम करने का कहा गया है। एक इसमें पेरीमीटर है, दूसरा इसमें एरिया है, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ मिनारेट। मिनारेट क्या होता है? मीनार को, ठीक है ना। तो उसका जो मस्जिद का मीनार है वो तमीर किया गया इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागॉन। पेंटागॉन की शेप में बनाया गया, यानी उसका बेस इस शेप का है। तो अब उसका यहाँ नहीं दिया हुआ, उन्होंने यहाँ से दिया हुआ। इसकी जो एक जो पेंटागॉन की एक साइड की लेंथ है ना, वो 6 है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी, ये इन्होंने हाफ को शो किया हुआ, 3 है। तो पेरीमीटर पहले हम मालूम कर लेते हैं, फिर मैं एरिया का कंसेप्ट आपको बताता हूँ। इसकी क्योंकि टोटल 5 साइड्स हैं तो ऑल साइड इक्वल हैं, तो हम इसको डायरेक्ट ये 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, तो 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर्स। तो ये तो बेटा इसका आ गया पेरीमीटर। अब एरिया के लिए, किसी भी पॉलीगॉन का जब एरिया मालूम करना हो तो उसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय एपोथम। एपोथम क्या होता है? एपोथम का इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल है एरिया, किसी भी पॉलीगॉन का एरिया मालूम करने के लिए। जो भी रेगुलर पॉलीगॉन होती है उसमें ये होता है कि उस पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन का जो सेंटर होता है, ये सेंटर है हर तरफ से ना, सेंटर से किसी एक साइड की तरफ जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा होता है, जो 90 डिग्री के साथ एक साइड को लाइन मीट कर रही होती है ना, उस लाइन को बोलते हैं एपोथम। तो एपोथम की जो लेंथ है ये भी हमें एरिया के लिए मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें ना बाकी ये वाली साइड दी हुई है, ठीक है। तो ये हमने मालूम कर लेनी है पहले, हमने जो हमारे पास इसमें जो पेरीमीटर है वो भी है, सर एक ही वैल्यू नहीं है। तो ये देखें, हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से ना हम कोई का जो फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसकी हेल्प से हम ए की जो वैल्यू है ये मालूम कर लेंगे। क्योंकि ये जो अपोजिट साइड को जो परपेंडिकुलर है ना, ये इस वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा होता है, हाफ कर रहा होता है। टोटल ये 6 है, तो ये यहाँ तक जो आके मिलती है ना, ये 3 इधर हो जाता है, 3 इधर हो जाता है, तो टोटल जो साइड की लेंथ है वो 6 मीटर ही है। तो अब हम देखें कि इस वाली ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड इसकी 90 है, तो ये वाली साइड भी 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री की अपोजिट साइड, और परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर इस फार्मूले में आप 90 डिग्री के दोनों जो आर्म होते हैं, दोनों जो बाजू होते हैं, दोनों में से जिसको मर्जी परपेंडिकुलर और जिसको मर्जी आप बेस कह सकते हैं। तो ये इसका परपेंडिकुलर मैंने ये कहा है, और इसको मैंने बेस, तो बेस की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 ए स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है ये रह जाएगा इधर ही, और ये प्लस 5 जो प्लस 9 है दूसरी तरफ जाके माइनस 9 हो जाएगा। अब 25 से 9 माइनस किया तो 16। तो ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म होगा स्क्वायर रूट के साथ। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। इन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक हो गया। अब हम इसी वाले फार्मूले में हम ए की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, एरिया इक्वल टू 1/2, पेरीमीटर हम पहले मालूम कर चुके थे वो 30, और ए की वैल्यू हमने मालूम की अभी 4। तब इसमें देखें, चाहे आप इसको ऐसे कैंसिल कर ले, 2 2 2 4 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो जो भी इसका यूनिट था मीटर्स में है, तो मीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अ प्लॉट इन अ शॉपिंग एरिया इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन, ठीक है ना।
हेक्सागॉन जो है जो सिक्स साइड्स वाली पॉलीगॉन होती है, और ये रेगुलर, ठीक है ना, ये रेगुलर हेक्सागॉन है, यानी इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। वन साइड ऑफ द प्लॉट इज़ 10 मीटर, जो छः साइड है ना उसमें से हर साइड 10 मीटर्स की है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द प्लॉट। फेंसिंग कहते हैं उसकी बाउंड्री बा, उस प्लॉट के साइडों पे ना दीवार लगानी है, यानी कि बाड़ लगानी है, बाड़ जंगला लगाना है हिफाजत के लिए जो भी है, वो 160 रुपीज़ पर मीटर है। तो जो बाड़ होती है ना वो सिर्फ साइडों पे लगती है, ऐसे ऐसे करके ना, जो भी उसकी होगी ना उसको साइडों पे उसने लगाना है। तो जो साइडों की टोटल जो लेंथ होती है ना उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तब हमने हमारे पास इसकी लेंथ आ गई है 10 मीटर, ठीक है ना। और हेक्सागॉन का जब पेरीमीटर मालूम करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है ना, तो इसकी क्योंकि टोटल 6 साइड्स होती हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय, फार्मूला लिखना है तो एल लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट भी कर लेते, लिख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। एल इसका हो जाएगा 10 मीटर। अब 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मीटर। तो उसकी टोटल बाउंड्री वॉल की जो लेंथ है ना वो 60 मीटर है। तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी कॉस्ट मालूम करनी है, तो जो पेरीमीटर को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसके रेट को इसके पेरीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 160, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी 9600 रुपीज़। तो ये आ गया इसका ए पार्ट का। अब सेकंड इसका एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का एरिया मालूम करना है। अब यहाँ पे जो पार्ट है ना हमारे लिए एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन, वो तो फार्मूला जो होते ही हैं, लेकिन एरिया ऑफ जो हेक्सागॉन है ना ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि अभी आपके लेवल में अगले इसके फार्मूले जो बनाने हैं ना, जो इसका इसकी जो डिफरेंट जो होती है ना, इस तरह करके इसकी बना लेते होते हैं ट्राइंगल्स, मुख्तलिफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो ये टोटल जो हर एक ट्राइंगल का अलग से वो एरिया मालूम करके फिर उनको प्लस कर लेना होता है, एक मेथड वो होता है, लेकिन वो आपके लेवल से अभी काफ़ी आगे है। तो जिसमें नहीं हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करते हैं उस वाले मेथड से, तो लेकिन आपको उस वाले मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो सिंपल हेक्सागॉन का जो एरिया का फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ उसका फार्मूला। एरिया ऑफ हेक्सागॉन 3 × 3√2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। ये कुछ बुक्स के अंदर इन्होंने जो साइड की लेंथ है उसको एल के साथ भी डिनोट करते हैं और कुछ को एस के साथ भी करते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्योंकि एक साइड जो हमारी है ना वो है 10 मीटर की, अब इसमें 3 × 3√2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको हमने सिंपली कैलकुलेटर से हमने इसको सॉल्व करना है, पहले आप इसका 3 का √ निकाल लें, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 10 से, फिर 10 से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.59807, इस तरह करके इसका आंसर आ जाता है, और भी आगे आ रहा है, ठीक होगा ना। ये आ गया एरिया मीटर स्क्वेयर। अब हमने क्योंकि इसकी जो है वो पहले एरिया उन्होंने कहा था एरिया प्लॉट, तो ये प्लॉट का एरिया आ गया, तो इनको सॉल्व किया तो ये आता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ये 10 × 100। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेसिमल 2 डिजिट इधर चला जाएगा, 259.807 है, या इसको आप 8 इसको राउंड ऑफ करेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो 1 लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। अब इसका जो अगला पार्ट है कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट, उस प्लॉट को अंदर से फिल करना है, प्लॉट को जब अंदर से फिल करना हो ना तो मतलब होता है कि उसका एरिया मालूम करना है। जो पेरीमीटर होता है वो सिर्फ बाउंड्री वॉल का होता है। फिलिंग एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर, तो इसको पर स्क्वायर मीटर जो उन्होंने इसका दे दिया है, इसके रेट को इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसके रेट को इसका जो एरिया निकाला था हमने 259.81, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 9905 रुपीज़। तो बुक के ऊपर उन्होंने इसके एंड पे 00 इतना दिया हुआ है,
हमारे पास जो भी एरिया आएगा आप उसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो है। अगर हम इसको राउंड ऑफ नहीं करते, इसी फॉर्म में रहने देते हैं 807, तो फिर ये 903 आ जाता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो क्वेश्चन चेक कर रहा होता है ना उसको नज़र आ रहा होता है कि ये एरिया क्या था, और एरियाज़ को जब रेट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो भी आएगा ना वही आंसर है, लेकिन 900 है ना वो नहीं आता आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उन्होंने जो इसका पेरीमीटर दिया हुआ फीट्स में है, आगे जो रेट है ये मीटर्स में है, लेकिन जो बुक के पीछे आंसर है ना वो भी फीट्स के हिसाब से ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटर जो है ना, जो उन्होंने जब रेट दिए हैं रेट में जो मीटर्स का हिसाब है ना ये वो मिसप्रिंट हुआ हुआ है। तो क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन था बुक्स मतलब बुक का, तो जब बाद वाले एडिशन आएंगे उसमें ये सिमिलर हो चुके होंगे। तो इसमें दो तरह के ऑप्शन है, हम एक तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, तो वो यानी मीटर्स को फीट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर्स को फीट्स में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है, वो भी हम कर लेंगे, जो भी इसका रेट होगा उसको उसके रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। तो लेकिन जब हम इसको अगर मीटर्स में ही यानी कि रहने दें तो फिर इसका आंसर और तरह से आता है। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पर फीट्स स्क्वेयर, इसको पर फीट के हिसाब से हम इसको लिख लेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें यह आ जाता है कि एक तो आ गया ना इसमें इसका आ गया ये पैरीमीटर है, तो फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर एट द रेट ऑफ 350 रुपीज़ पर स्क्वेयर फीट। तो स्क्वेयर फीट का मतलब कि हमें इसका एरिया चाहिए, तो पैरीमीटर से डायरेक्ट एरिया में कन्वर्ट नहीं होता, पहले पैरीमीटर की हेल्प से ना हम इसकी एक साइड की लेंथ मालूम कर लेंगे। जब एक साइड की लेंथ आ जाएगी ना तो लेंथ से हम फिर एरिया मालूम कर सकते हैं किसी भी स्क्वेयर का, ये स्क्वेयर ही है ना, तो इसमें आ जाएगा लेंथ ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की जो लेंथ होती है ये पैरीमीटर को, ये पैरीमीटर कितनी साइडों का होता है, 4 का, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक साइड की लेंथ आ जाएगी 12 फीट। ठीक होगा, ये एक साइड की लेंथ आ गई 12 फीट, यानी ऐसे स्क्वेयर है ये, तो 12 इसकी हो जाएगी जो लेंथ है। अब इसका पहले एरिया मालूम करना है ए पार्ट के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का फार्मूला मुला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या इसको लेंथ स्क्वायर भी बोलते हैं, तो 12 × 12 इक्वल टू 144 फीट स्क्वायर। अब उन्होंने ये इसका एरिया आ गया और ये इसका रेट आ गया, तो इसकी टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए इसके रेट को इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका जो रेट है उसके रेट को इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ये रुपीज़ में 5400 रुपीज़। तो ये इसके कारपेटिंग का टोटल जो है ना जो कॉस्ट आ गई। अब सेकंड पार्ट इसका आ जाता है द एरिया ऑफ ईच वॉल, द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इफ़ रूम इज़ 10 फीट हाई। अगर देखें अगर एक दीवार है, वो दीवार ये दीवारें हैं यानी एक रूम की चारों दीवारों की बेस है, अगर दीवार का जो नीचे वाली साइड मतलब 12 की है, जो दीवारें ऊपर को जा रही हैं, तो ऊपर वाली जो दीवार जो ऊपर को हाइट है वो उसकी 10 फुट की हाइट उसकी हाइट है, तो वो कह रहे हैं हर दीवार का ना फाइंड द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल, तो हर दीवार का ना एरिया मालूम करना है। तो ये क्योंकि स्क्वेयर है तो इसकी जितना एरिया एक साइड का होगा हर साइड का उतना उतना ही होगा, तो द्वार की जो एक साइड है इसकी ये 12 जो फीट है ना ये उसकी चौड़ाई कह लें, और 10 फीट जो है ना इसकी लंबाई कह लें या चौड़ाई जिसको मर्जी, एक चीज़ इसकी लेंथ है एक इसकी विड्थ है। तो आप इसमें ये ना सोचना कि उन्होंने इसमें हाइट बताई थी, तो जब हम किसी कमरे के अंदर खड़े होकर एक दीवार को देखते हैं ना तो उसकी दीवार का जब एरिया मालूम करना हो तो उसकी एक साइड उसकी लंबाई होती है एक साइड इसकी चौड़ाई होती है, यानी वो लेंथ और विड्थ बन जाती है, जो उसकी हाइट होती है ना उसको हम विड्थ का नाम दे देंगे, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो उसको लेंथ का नाम दे देंगे। तब इसका जब एरिया एरिया ऑफ ईच वॉल, यानी वैसे तो 4 द्वार है ना तो एक द्वार का एरिया, तो ये रेक्टेंगल शेप में बन जाता है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 12 × 10 तो आ जाएगा ये 120 मीटर स्क्वेयर। तो ये तो आ गया इसका एक दीवार का एरिया, क्योंकि उन्होंने कहा ये था कि द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल, तो यहाँ तक तो हो गया एक पार्ट इसका, ठीक है ना ये वाला।
कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया ईच वॉल। अब नेक्स्ट वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द साइड ऑफ रोम, उस द्वार ये उस कमरे को उसकी जो इनर साइड रूम की है ना उसको पेंट करना है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर फीट। तो अब एरिया ऑफ ई वाल ये आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि उसने इनर साइड्स को सारी इनर साइड्स को पेंट कराना है, तो उसके जो पेंट का जो रेट है उन्होंने पेंट का जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि सिर्फ द्वारों को पेंट करवाना है अंदर से, इसमें छत शामिल नहीं है। छत शामिल क्यों नहीं है हमें उन्होंने बताया नहीं है इसमें, तो हम इसमें छत के साथ लग भी हिस्से भी मालूम कर सकते हैं और सिर्फ द्वारों का भी इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। अगर दीवारों का एरिया कहेंगे टोटल तो वो ऐसे आ जाएगा चारों दीवारों का 120 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 480 मीटर स्क्वेयर। तो अगर इसमें छत भी शामिल करेंगे तो छत में जितना एरिया उसके फर्श का है ना ये वाला, उतना ही एरिया उसकी छत के बॉटम का होगा जो उसकी सीलिंग होती है नीचे वाली उसका भी है। तो लेकिन हम यहाँ पे जैसे बुक वालों ने दिया हुआ है उस बुक्स वालों ने सिर्फ दीवारों का ही पेंट का ही दिया हुआ है आंसर। तो अब देखें इसमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, ये 4 लिखा है 4 वॉल एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब इसका जो टोटल एरिया है चारों वालों का उसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 4810 ये और 30 ये, तो इतने रुपीज़ उसका ये कॉस्ट आ जाएगी जो बुक वालों ने दी है वो ये है। अब इसमें मैंने पहले तो 4 वॉल्स का एरिया आया ना, अब इसमें मैं छत का एरिया भी प्लस करता हूँ। तो अगर तो आपके टीचर्स कहते हैं कि नहीं आपने सिर्फ दीवारों के पेंटिंग का ही मालूम करना है, फिर तो आपका आंसर क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है। लेकिन अगर ना कहते हैं कि छत के साथ भी है तो इसमें 4 दीवारें और 1 छत जो है, दीवारों का एरिया ये वाला है छत का एरिया यही था यानी जितना उसके फर्श का एरिया था ना ये नीचे वाला उतना ही छत का होता है, वो उसमें प्लस किया तो टोटल ये बन गया 624 स्क्वायर मीटर। अब 624 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेट के साथ तो इसकी टोटल कास्ट आ जाएगी 6240 रुपीज़। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। दोनों तरह के आंसर हैं लेकिन बुक के ऊपर यहाँ तक ही है। अगर आपके टीचर यहाँ तक ही मुतमिन है तो आप यहाँ तक करें, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया, अगर जरूरत पड़ी आपको तो ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी एक बहुत ही कह लें कि बच्चों जैसा ही क्वेश्चन है, बच्चों की तरह जो होता है। तो आप इसमें आ टाइल इज़ इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ये एक टाइल हेक्सागोन शेप की है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ ऑन फुट यानी 1 फुट लॉन्ग, इसकी टाइल की जो हर साइड है वो 1-1 फिट लॉन्ग है, यानी ये साइड भी 1 फुट की है, ये भी 1 फुट की है, ये सारी जो है ना 1-1 फुट की है। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ 4 टाइल जॉइंड टूगेदर एज शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर जिस तरह ये चारों टाइलें जोड़ी गई हैं इन चारों का पैरीमीटर मालूम करें। तो पैरीमीटर होता क्या है, पैरीमीटर के बारे में हम बहुत दफ़ा पहले सीख चुके हैं। पैरीमीटर कहते हैं बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ। तो इसकी जो बाउंड्री वॉल होती है बाहर वाली साइडें होती हैं, अंदर वाली साइडें पैरीमीटर में नहीं आती, हमेशा बाहर वाली। तो टोटल देखें बाहर वाली साइडें कितनी हैं, ऐसे काउंट कर लें फिर भी ठीक है, या ये भी साइड 1 फुट है, ये ईच साइड 1 फुट है उन्होंने बताया हुआ है, ये भी 1 फुट है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सारी 1-1 की हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। तो टोटल देख लें ये कितनी साइड्स बनती हैं बाहर की साइड पर। तो इस तरह करके इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स 14 है, तो लेंथ ऑफ 1 साइड 1 फुट है, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम साइड इक्वल है, तो पैरीमीटर का फार्मूला ये होता है कि जितनी साइड्स हों मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 14 इसकी लेंथ क्योंकि 1 फिट है तो 14 × 1 = 14 फिट, तो ये इसका पैरीमीटर आ गया। तो ये एक्सरसाइज कम्प्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।